झारखंड में भ्रष्टाचार पर ईडी का बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। यहां मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के नौकर पर शिकंजा कसा है। निजी सचिव के नौकर के घर पर यह छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में घर पर 500-500 की गड्डियों का कैश मिला है। रेड के दौरान ही नोटों का ये पहाड़ मिला है। संजीव लाल के नौकर के घर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कैश रिकवर किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं आलमगीर आलम। अब किस तरीके से कैश मिला है, क्यों, किस लिए ये घर में इतनी ज्यादा तादाद में कैश रखा हुआ था, ये सभी सवाल जांच का विषय बने हुए हैं। आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से ये नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब तक की रिकवरी है 30 करोड़ से ज्यादा की। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुछ और जगह खंगाली जा रही है, देखी जा रही है, क्योंकि जब जब इस तरह की छापेमारी होती है, घर की दीवारों से लेकर छत तक की भी तलाशी होती है सामान के साथ साथ। ऐसे में 30 करोड़ की बरामदगी अब तक हो चुकी है और अभी भी ये छापेमारी चल रही है। लेकिन जो अभी की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर कैश मिला है और हो सकता है ये संख्या भी और बढ़ जाए। जो 30 करोड़ का आंकड़ा है, हो सकता है ये क्रॉस हो जाए। अपडेट जिस तरीके से सामने आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं आलमगीर आलम। अभिषेक चंद्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, कांग्रेस के विधायक के सचिव के नौकर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल यही है रचना, झारखंड में इतने पैसे मिल रहे हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है। 500-500 की बड़ी बड़ी गड्डियां, चुनाव का वक्त है और ईडी सुबह से आधे दर्जन से ज्यादा जगह पर लगातार रेड कर रही है। और ये आलमगीर जो है, ये कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं झारखंड के, झारखंड में मंत्री भी हैं और संजीव लाल इनके पीए हैं। संजीव लाल के पास में भी नहीं बल्कि इनके नौकर के घर से, आप सोचिए, बड़ा दृष्टिकोण ये है कि पीए के घर से नहीं बल्कि पीए के नौकर के घर से इतने भारी मात्रा में कैश का मिलना, अंदाजन 30-35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हो सकती है। और सच पूछिए तो इतने बड़े कैश की रकम जो मैंने भी आज तक नहीं देखी होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि झारखंड में इतने पैसे आ कहां से रहे हैं। 500-500 की गड्डियां लगातार इनके लिए स्पेशल मशीन्स, काउंटिंग मशीन्स जो है वो मंगाई गई हैं ईडी की तरफ से और लगातार काउंटिंग जारी है। इन पैसों का फिलहाल कोई हिसाब नहीं मिल पाया है कि ये 30 करोड़ है, 32 करोड़ है, 35 करोड़ है। एक अंदाजा जो है रफ फिगर में हम फिलहाल बता पाने की स्थिति में ये कि 30 करोड़ से के आसपास की रकम है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बड़ा सवाल है, झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। ईडी जो है आधे दर्जन से ज्यादा जो है लोकेशंस पे छापा मार रही है, ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं सुबह से, चुनाव का ये मौसम है और पीए के घर के नौकर से इतना बड़ा रकम प्राप्त हो रहा है। तो सोचिए कि मंत्री के पास में कितना रकम होगा और उनके पीए के घर पे कितना रकम होगा, ये सोचने वाली बात है। और ये बड़ा सवाल जो है इंडिया न्यूज, आपने कहा आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है, अभी भी ये छापेमारी चल रही है। 30-35 करोड़ तो अब तक मिल चुके हैं, हो सकता है ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन क्या इस मामले में किसी से कोई भी पूछताछ हुई है? अभिषेक चंद्रा हैं, उनके पीए हैं, उनका नौकर है, तो ये कड़ियां तो जुड़ती रहेंगी, पूछताछ तो सभी से होगी। और ये क्लू कहां से हाथ लगा था कि यहां पहुंचना है तो नोटों की गड्डियां मिल सकती हैं? देखिए, इसमें ईडी एक बहुत बड़ी एजेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं। उनकी अपने सोर्सेज भी होते हैं, उनकी अपनी एजेंसीज भी होती हैं, लोकल पुलिस स्टेशन भी काम कर रहा होता है, सादी वर्दी में भी लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके अलग अलग जो है खबरों को देने के लिए, इंफॉर्मेशन के देने के सोर्सेज होते हैं। तो ये लगातार कई दिनों से ट्रैक किया जा रहा था इस मामले को और मूवमेंट को। दीवारों के अंदर से कैश मिले हैं, जो वार्डरोब्स होते हैं वार्डरोब्स के अंदर से कैश मिले हैं और जो विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं बेहद ही चौकन्ना करने वाले हैं कि इतनी भारी मात्रा में कैश जो है ये झारखंड में आ कहां तरी है। चूंकि ये चुनाव का मौसम है तो चुनाव के मौसम में ईडी ने कुछ एक्स्ट्रा ही सतर्कता बरती हुई है। और केवल आज का ही केस नहीं, अब हम लगातार देखेंगे, ऐसी मेरी संभावना मुझे जो कहती है कि झारखंड से कई लोकेशन से ऐसे कैश पकड़े भी जाने हैं। ये तो केवल शुरुआत भर है, ये महज एक ट्रेलर है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से विधायक आलमगीर आलम, और सवाल ये कि झारखंड में इतनी नोटों की गड्डियां आ कहां से रही हैं, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में ईडी के इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ, ऐसा क्लू हाथ लगा कि यहां इस तरीके से कैश मिल सकता है।
अब हालांकि अभिषेक चंद्रा जिस तरीके से कैश मिला है, अभी आपने कहा नौकर का घर है, आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं, अगर पीए के घर या फिर आलमगीर आलम के घर या फिर उनके जो और करीबी हैं, अगर उन ठिकानों पर भी छापेमारी हुई तो न जाने ये कैश कितना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कहना मुश्किल है। जब तक एक आधिकारिक पुष्टि जो है ईडी की तरफ से, जो रांची का विंग है दफ्तर, रांची के दफ्तर से ईडी कंफर्म नहीं करती है, तब तक ये एक महज अंदाजा भर है। रकम जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिल रहा है, ये इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। हमारे सोर्सेज ने, इंडिया न्यूज के सोर्सेज ने हमसे कहा है कि अराउंड 30 करोड़ का जो रकम है अब तक कैश प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो किसी आईपीएस के अफसर के द्वारा जो ईडी से संबंधित होंगे देर शाम तक किया जाएगा। काउंटिंग लगातार जारी है, ताबड़तोड़ पैसे मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। और झारखंड का एक अपार्टमेंट है, उसमें डेल्टा थ्री विंग में ये कैश पकड़ा गया है। और इसके अलावा 5 और अलग अलग ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी है और लगातार कैश का मिलना जो है इसका सिलसिला जो लगातार वो जारी है। रचना, जिस तरीके से झारखंड में